नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण सिंह और आज अपन देख रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के बारे में। अपनी ये जो प्लांट ब्रीडिंग की है ये अपने फर्स्ट क्लास है, और जो प्लांट ब्रीडिंग की जो फर्स्ट क्लास है अपनी, इस क्लास में आज अपन देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अपन देखेंगे डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। प्लांट ब्रीडिंग दोस्तों जो डेफिनेशन है वो ये है, इसको अपन इस प्लांट से समझते हैं। एक प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है। प्लांट ब्रीडिंग क्या दोस्तों, एक आर्ट है, एक साइंस है एंड टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या होता है दोस्तों, मिक्सर होता है। प्लांट ब्रीडिंग केवल साइंस नहीं है, इसके अंदर आर्ट भी होनी चाहिए, साथ में टेक्नोलॉजी का भी मिक्सर होता है, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है किसमें, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है प्लांट ब्रीडिंग, जिसके द्वारा प्लांट में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और ये जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन के लिए डिजायरेबल हो या इकोनॉमिक प्रोडक्ट हो फॉर ह्यूमंस यूज के लिए, ठीक है। ये जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होते हैं वो किसमें होते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक प्रोडक्ट में या इकोनॉमिक पार्ट के अंदर, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ प्लांट डेट यूज फॉर ह्यूमन या यूज फॉर मैनकाइंड। यह दोस्तों एक कंप्लीट डेफिनेशन प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें पौधे के अंदर क्या किया जाता है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है। कौन से पोर्शन में, प्लांट के इकोनॉमिक पार्ट के अंदर, ताकि क्या हो उसका यूज़ किया जा सके फॉर मैनकाइंड के लिए। जो ह्यूमन है उसके काम में आने वाले जो पार्ट होता है, इकोनॉमिक पार्ट, उसके अंदर चेंज किया जाता है। इकोनॉमिक पार्ट कौन सा होता है दोस्तों, इकोनॉमिक पार्ट होता है पौधे का, जैसे कि अपन ने देखा था सीरियल होते हैं, सीरियल जो क्रॉप्स हैं उनमें जैसे सीड होता है, ठीक है। जो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे अपन देखते हैं जो फ्रूट्स होती है, ठीक है, फ्रूट्स होती है, उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, मेन फ्रूट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो फ्लोरिकल्चर वाली जो क्रॉप है जिनमें फ्लोर इम्पोर्टेंट होता है, तो उनमें हो जाएगा दोस्तों फ्लोवर, कुछ में हो सकता है ये रूट, कुछ में ये स्टेम भी हो सकता है, कुछ में लीव हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक प्रोडक्ट प्लांट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये अपने डेफिनेशन देखिए, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट करती है ऑफ इकोनॉमिक पोर्शन या इकोनॉमिक पार्ट ऑफ प्लांट दैट यूज फॉर मैनकाइंड। एक डेफिनेशन और हो सकती है दोस्तों कि प्लांट ब्रीडिंग आर्ट एंड साइंस है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा पौधे के जो हेरिडेटरी करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी करेक्टर कौन से होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है दोस्तों, एक डेफिनेशन अपन ये बता सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग आर्ट एंड साइंस है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्लांट में हेरिडिटरी करेक्टर हेरिडिटरी करेक्टर्स है उनमें क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, आर्ट एंड साइंस है, जिसके द्वारा पौधे के जो हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है दोस्तों, इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो ये अपने प्लांट ब्रीडिंग की जनरल डेफिनेशन हो गई। अब देख रहे हैं दोस्तों अपन प्लांट ब्रीडिंग के एम के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग एम टू इम्प्रूव द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन एम होता है वो क्या होता है,
प्लांट के जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, प्लांट के जो करेक्टर्स है उसके अंदर इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि क्या हो, प्लांट क्या हो, बिकम मोर डिजायरेबल एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली। ताकि क्या हो दोस्तों, पौधा है वो क्या हो, एग्रोनॉमिकली और इकोनॉमिकली ज़्यादा डिजायरेबल प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अगर अपन एग्रोनॉमिकली देखें तो जो पौधा होता है उसका क्या होता है दोस्तों, जो वेजिटेटिव पोर्शन होता है, ठीक है, पौधे का जो वेजिटेटिव पोर्शन है उसकी जो पत्तियां हैं, उसके तने, ब्रांचेज, इसको अपन एग्रोनॉमिकली पोर्शन में रखते हैं। और इकोनॉमिक में अपने क्या होता है, जैसे अनाज वाली फसल है उसमें जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे इकोनॉमिक पोर्शन। उसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स है उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, उसमें जो फ्रूट्स होती है, ठीक है, कुछ पौधे हैं उसके अंदर इकोनॉमिक पार्ट होता है, उनकी जो रूट्स होती है, कुछ के अंदर दोस्तों फ्लावर्स होते हैं इकोनॉमिक पार्ट। तो अपने क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग का मेन एम ये है कि अपने को इकोनॉमिकली और एग्रोनॉमिकली मोर डिजायरेबल प्लांट प्रोड्यूस करने हैं, क्या करके, इम्प्रूवमेंट ऑफ करेक्टर ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के जो करेक्टरिस्टिक है उनमें इम्प्रूवमेंट करके। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, प्लांट का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो अलग अलग क्रॉप के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्लांट के जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो क्रॉप वाइज अलग अलग होते हैं। तो अब दोस्तों अपना जो नया टॉपिक आता है उसका नाम है दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में अपन क्या ले रहे हैं, इसमें अपने 12-13 ऑब्जेक्टिव आएंगे। फर्स्ट नंबर पर अपन ले रहे हैं हायर यील्ड। हायर यील्ड क्या होती है दोस्तों, कि अलग अलग जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग उसकी यील्ड अलग अलग मानी जाती है, ठीक है, जैसे कि अगर आप सीरियल क्रॉप में ले रहे हो तो वहाँ पर आप ग्रेन यील्ड लोगे, वहीं आप अगर फोडर क्रॉप्स में ले रहे हो तो वहाँ पर फोडर यील्ड आ जाएगी। कॉटन वगैरह में अगर अपन लेते हैं तो वहाँ पर अपन फाइबर की यील्ड देखते हैं, ठीक है, कहीं पर अपन ट्यूबर की यील्ड देखते हैं तो कहीं पर केन की यील्ड देखते हैं, कहीं पर जो ऑयल क्रॉप है वहाँ पर देखी जाती है ऑयल की यील्ड, ठीक है, ऑयल कितना है, ठीक है, तो ये डिपेंड करती है दोस्तों क्रॉप के ऊपर। तो यील्ड अपने हायर लेनी है, ये अपने अल्टीमेट एम हो जाएगा, मतलब मेन एम है अपने हायर यील्ड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर तो आप प्रीफर ये करोगे ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो, यील्ड अपने को मिले। उसके बाद में आपने आती है, वो आती है दोस्तों उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आपको प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा मिल रहा है। फिर अपना ध्यान जाता है कहाँ पर दोस्तों, उसकी क्वालिटी पर, कि जो अपने ग्रेन की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। ग्रेन की क्वालिटी में आता है दोस्तों कि ग्रेन की साइज, ग्रेन के कलर, ठीक है, वीट की अगर अपन बात करें गेहूं की तो उसमें अपने मिलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी देखी जाती है। राइस की अपन बात करें तो राइस में दोस्तों उसकी कुकिंग क्वालिटी देखी जाती है। वही दोस्तों अगर बार्ले की अगर आप बात कर रहे हो तो बार्ले मेनली दोस्तों माल्टिंग में काम आता है, तो उसकी माल्टिंग क्वालिटी चेक की जाती है। अगर आप फ्रूट्स की बात कर रहे हो तो फ्रूट्स में दोस्तों क्या आता है, साइज है, उसकी कलर है। उसके अलावा दोस्तों जो वेजिटेबल्स अगर अपन लेते हैं तो उसमें वेजिटेबल की कीपिंग क्वालिटी, मतलब वो कितने समय तक ख़राब नहीं हो रही। उसके अलावा उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंटिव वैल्यूज़ है। उसके अलावा दोस्तों अपने पल्सेस खाते हैं तो वहाँ पर अपने को प्रोटीन देखना होता है, और ऑयल सीड अपन काम में ले रहे हैं तो वहाँ पर अपने को ऑयल कंटेंट लेना होता है। वहीं अगर अपन देखते हैं दोस्तों कॉटन वगैरह में, तो कॉटन में क्या होता है दोस्तों, फाइबर लेंथ, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस देखी जाती है, ठीक है, फाइबर की क्या लेंथ है, लंबाई है, क्या स्ट्रेंथ और क्या फाइननेस है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है, क्वालिटी में इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग के जो ऑब्जेक्टिव, उसमें तो फर्स्ट नंबर पर तो अपने को हायर यील्ड लेना है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना है। उसके बाद में अपना जो मेन एम होता है वो होता है अपने उसकी क्वालिटी में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। वो अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिटी सेट की जाती है। फ्रूट क्रॉप में अपन ने अलग देखा है, वहीं अगर अपने फाइबर क्रॉप देख रहे हैं तो वहाँ पर अलग टाइप से क्वालिटी चेंज की जाती है। वहीं ग्रेन में अपन देखें तो ग्रेन की साइज, कलर, ठीक है, वीट में देख लिया मिलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी। तो ये होता है दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, क्या था दोस्तों एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, कि प्लांट के अंदर जो ड्रॉट है, सोइल के अंदर जो सेलिनिटी आती है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हीट है, विंड है, कोल्ड है, फ्रोस्ट है, इनके प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस में अपने आता है दोस्तों ड्रॉट, सोइल सेलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट, विंड, कोल्ड एंड फ्रोस्ट, इन सब के प्रति क्या होना चाहिए, प्लांट अगर रेजिस्टेंस है तो क्या होता है दोस्तों, वो आराम से कहीं पर भी अडप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी अपने क्या होता है दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा अपन इस टाइप के जीन ट्रांसफ़र करते हैं
ताकि क्या हो, वो एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनके प्रति उसमें रेजिस्टेंस आ सके। नेक्स्ट एम है वो होता है दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग का बायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जो अपने डिजीज एंड इंसेक्ट वगैरह लगते हैं, ठीक है, जो जीवित जीव होते हैं जो क्या करते हैं पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अपना प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं दोस्तों, जो डिजीज और इंसेक्ट है उसके प्रति भी प्लांट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। और ये रेजिस्टेंस कैसा कैसे पैदा किया जाता है दोस्तों, ये पैदा किया जाता है दोस्तों प्लांट के अंदर डिजायरेबल जीन ट्रांसफर करके। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, वो होता है चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, या अपन कह सकते हैं अर्लीनेस। कुछ प्लांट होते हैं दोस्तों उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है अर्लीनेस, या उसकी लेट वेराइटीज अपन बनाते हैं। क्यों की जाती है दोस्तों, कुछ प्लांट है उनको अगर अपन अर्ली उगा देते हैं तो उनमें कुछ जो डिजीज वगैरह है इंसेक्ट है उनका अटैक नहीं होता। कुछ को अगर आप लेट उगा रहे हो तो उनमें क्या होता है दोस्तों, उनको उनकी जो मेच्योरिटी है वो बेटर होती है, ठीक है, और उसके अलावा उसमें जो डिजीज इंसेक्ट होते हैं उनका अटैक नहीं होता। तो इस प्रकार से अपने क्या होता है दोस्तों, उसकी मेच्योरिटी चेंज करना भी एक प्लांट ब्रीडिंग का मेन एम होता है, जिसमें अपन उसमें अर्लीनेस या लेटनेस की जाती है, ठीक है। मेच्योरिटी अपन रिड्यूस की गई है, जैसे अपने कॉटन के अंदर, कॉटन में 270 दिन थी, वहां से 170 दिन आप देख सकते हो टोटल 100 डेज कम किए जा चुके हैं कॉटन के अंदर। लगभग 100 डेज का लगभग होता है मेन, 3 मंथ के लगभग है कॉटन की जो ड्यूरेशन है वो कम कर दी गई है। उसी प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं पीजियन पी अरहर के अंदर, अरहर में 270 दिन से केवल 120 दिन की मेच्योरिटी बची है, ठीक है। सुगर केन में अगर अपन बात करें दोस्तों 360 दिन, मतलब केवल 1 साल का जो पीरियड था उससे दोस्तों 270 दिन पर आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने क्या किया है, बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनमें जो मेच्योरिटी की ड्यूरेशन है वो अपने घटाई है, जिससे अपने क्या हो दोस्तों, अच्छे से जब प्रोडक्शन मिले उनमें डिजीज इंसेक्ट ना लगे, और अपने जो क्रॉप है उसका पीरियड कम करने से अपने क्या होता है दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्रॉप भी अपन इजीली लगा पाते हैं। तो अपने मेच्योरिटी ड्यूरेशन है, अर्लीनेस है, वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग का। उसके अलावा दोस्तों एक आता है अपने डिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ है दोस्तों वो मेनली अपने मूंग में, पीजियन पी में, कॉटन के अंदर, इनके अंदर दोस्तों मेनली इन क्रॉप्स के अंदर मेनली डिजायरेबल होती है, मूंग पीजियन पी एंड कॉटन के अंदर। अपने दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों डोरमेंसी। डोरमेंसी में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, टू एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो दोस्तों कुछ प्लांट्स के अंदर अपने को क्या करना होता है कि डोरमेंसी प्रोड्यूस करनी होती है, और कुछ के अंदर दोस्तों डोरमेंसी से बाहर निकालना होता है पौधे को। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ग्रीन ग्राम जिसे कहा जाता है, मूंग, ब्लैक ग्राम, बार्ले और मटर पी, इनके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जब इनमें हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस टाइम अगर बारिश हो जाए तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग से पहले ये जर्मिनेट हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, अब इन इन जो सीड्स हैं इनको अगर अपन जब काम में लेंगे, वापस अगर अपन सीड के रूप में काम में लेते हैं, तो दोस्तों इनकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बार्ली और मटर है, इनके अंदर इस प्रकार की वेराइटीज बनाई जा रही है जिनमें जब इनकी हार्वेस्टिंग वाला समय हो उस टाइम ये कम से कम क्या होना चाहिए, इनमें जब इनको जब आर्द्रता मिल जाती है तब ये जर्मिनेट ना हो, ठीक है। तो ये अपने मेन अपना टारगेट रहता है कि डोरमेंसी इन प्लांट्स में डोरमेंसी क्रिएट की जाए। कुछ प्लांट्स होते हैं दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, उनको जब एक नमी मिले और जब अपन उनको सीड के रूप में अपन उगा रहे हैं तो उस टाइम वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों इस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इस प्रकार के जीन अपने ट्रांसफर करने हैं ताकि वो क्या हो, उनमें जो डोरमेंसी है वो हटाई जा सके। तो ये भी अपना एक प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, डोरमेंसी लाना या डोरमेंसी निकालना, डोरमेंसी हटाना। नेक्स्ट जो अपने ऑब्जेक्टिव वो है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक में जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों सीरियल्स की, सीरियल है उसमें दोस्तों पहले क्या होता था, पहले दोस्तों सीरियल की जो क्रॉप्स होती थी, जैसे अपन बात करें अगर गेहूं की, तो गेहूं में क्या होता दोस्तों लंबे प्लांट्स थे, ठीक है, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स थे, और इनमें मेन समस्या आ रही थी किसकी, लॉजिंग की, ठीक है। ये प्लांट क्या हो रहे थे, जब जब ये कंप्लीट मेच्योर हो रहे थे उस टाइम ये अपने आप गिर जा रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था दोस्तों, अपनी जो गेहूं की जो यील्ड है वो बहुत कम आ रही थी। उसके बाद में क्या किया गया दोस्तों, एक जीन की खोज की गई जिसे कहा जाता है नोरिन 10। ये नोरिन 10 गेहूं के अंदर ट्रांसफर किया गया। उसके बाद में जो गेहूं के जो प्लांट्स हैं वो क्या मिले अपने को, बोने पौधे प्राप्त हुए।
ड्वार्फ जीन प्रोड्यूस किया गया और बौने पौधे मिले, इनमें जो लॉजिंग की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता दोस्तों कि अब प्लांट है उसकी प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो गिर रहा नहीं है, तो उसकी अपने यील्ड इंक्रीज हो गई, ठीक है, जो अपने क्या हुआ इसके कारण दोस्तों वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर हरित क्रांति प्रोड्यूस होती है। तो एक लंबाई ने क्या किया दोस्तों, हरित क्रांति प्रोड्यूस कर दी। लंबे पौधे से अपन ने बौने पौधे प्राप्त किए गेहूं के, और उससे क्या होता है दोस्तों कि उस प्लांट के अंदर उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है, उसकी यील्ड अपने को शानदार मिलती है, और उसके कारण अपने देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति आ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों कुछ जैसे फोडर क्रॉप्स है उनके अंदर मेनली दोस्तों टॉलनेस मतलब लंबे पौधे चाहिए होते हैं, ठीक है, हाई टिलरिंग वाले हो, प्रोफ्यूज ब्रांचेज हो, मतलब फोडर क्रॉप में अपना मेन क्या होता है दोस्तों, मेन जो टारगेट होता है फोडर क्रॉप में अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेटिव पोर्शन लेना है, ठीक है। तो वो जितना लंबा पौधा होगा उसमें जितनी ज़्यादा टिलरिंग होगी उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतना ही बढ़िया है। तो फोडर क्रॉप में अपना एग्रोनॉमिक जो करेक्टरिस्टिक है वो अलग लेने हैं, सीरियल क्रॉप में है वो अलग लेने होते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं दोस्तों एलिमिनेट ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस। कुछ पौधे होते हैं जैसे कि अपने कसरी दाल है जिसे लेथारियस सेटिवस कहा जाता है, इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, और ये न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है दोस्तों पैरालिसिस कर देता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो इस कसरी दाल के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन होता है इसको अपने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। उसी प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं दोस्तों, ब्रेसिका जो स्पीसीज है उसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है, यह ब्रेसिका स्पीसीज का जो तेल होता है उसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो अपना प्लांट ब्रीडिंग का एक यह भी ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या है, ब्रेसिका स्पीसीज से इरूसिक एसिड को कम करना है, इसकी मात्रा अपने को लिमिटेड करनी है। उसी प्रकार अपने जैसे कॉटन है, कॉटन के जो सीड है उसमें गोसीपोल पाया जाता है जो भी खराब होते हैं, ठीक है, तो इस गोसीपोल की मात्रा को भी कम करना, ये सब अपने जो टॉक्सिक सबस्टेंस है इनको अलग करना, ये भी दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है दोस्तों स्केटरिंग की समस्या पाई जाती है, मतलब उसमें क्या होता है दाने परिपक्व होते हैं उसके बाद वो गिरने लग जाते हैं। आप अगर पौधा हार्वेस्टिंग से पहले ही अगर उसके दाने गिर जाएंगे तो आपको क्या हुआ, यील्ड उसकी अपने आप कम मिलेगी। तो ये जो मेन समस्या रहती है दोस्तों ये रहती है ग्रीन ग्राम में, ठीक है, मूंग के अंदर रहती है, और इसके लिए अब क्या हुआ दोस्तों स्केटरिंग रेजिस्टेंस वैरायटीज तैयार की गई है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा, जिसमें जो पौधे होते हैं वो लगे रहते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं दोस्तों जो पॉट्स है वो गिरते नहीं, उसकी वजह से अपने यील्ड है वो इंक्रीज हुई है। उसके अलावा एक अपने ऑब्जेक्टिव आता है इसका नाम है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। ये होता है दोस्तों कि जो अपने पल्सेस कुछ पल्सेस क्रॉप है जैसे कि अपने ग्रीन ग्राम, काउपी और एक अपने जो कॉटन होती है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि कुछ प्लांट्स तो है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ प्लांट लेट मैच्योर होते हैं। तो अब आप क्या होगा जब हार्वेस्टिंग आप करोगे तो आप जैसे कॉटन के कुछ प्लांट को तो आप पहले हार्वेस्ट कर रहे हो, कुछ को बाद में हार्वेस्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा दोस्तों आपका जो लेबर का जो चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप वहाँ पर मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम में नहीं ले सकते, जैसे कि अपने ट्रैक्टर वगैरह से अपन जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो अपन काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग का एक ये ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि ग्रीन ग्राम, काउपी एंड कॉटन के अंदर इस प्रकार की वैरायटीज बनाई जाए वो क्या हो एक समय के अंदर मेच्योर हो, ताकि उनका हार्वेस्टिंग का जो कॉस्ट है वो कम आए और एक साथ में उनको हार्वेस्टिंग की जा सके। एक जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है दोस्तों फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी। प्रकाश के प्रति और तापमान के प्रति पौधों में क्या हो इनसेंसिटिविटी हो, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए या प्रकाश की तीव्रता कम ज़्यादा हो जाए तो पौधों में क्या हो ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ये दोस्तों जो किया गया है वो वीट एंड राइस के अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है। एक होती है इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी किसी क्लाइमेट में या किसी स्थान पर अगर अपने पौधों को लगाया है वो वहाँ पर अडेप्टेबल नहीं हुआ तो क्या होगा दोस्तों उसकी यील्ड कम हो जाएगी, ठीक, उस पौधे की अपनी यील्ड कम हो जाएगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी और अपने पौधा कोई काम का नहीं रहेगा। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी है ये भी एक गोल सेट किया गया और इसका मेन टारगेट रहता है कि आपको क्या हो अच्छे से अच्छे अडेप्टेबल प्लांट आप प्रोड्यूस कर सको। उसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग का एक नया ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है वैरायटी फॉर न्यू सीजन। क्या होता है दोस्तों जैसे अगर अपन मक्के की देखें, मेज का जो प्लांट होता है वो क्या है खरीफ की क्रॉप है, बट अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है दोस्तों मक्के को आप रबी और जायज सीजन में भी लगा सकते हो, ठीक है।
इससे क्या होगा, आप एक प्लांट को आप अलग अलग लोकेशन पर लगा सकते हो, ठीक है, केवल आप एक स्थान पर नहीं लगा सकते, अलग अलग आप लोकेशन पर लगा सकते हो, अलग अलग मौसम में लगा सकते हो, तो आपको क्या होगा दोस्तों, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे दोस्तों मूंग की अगर अपन बात करें, मूंग दोस्तों समर की क्रॉप थी, ठीक है, गर्मियों की क्रॉप थी, बट अब इसे अपन दोस्तों खरीफ के अंदर भी लगाते हैं। तो ये भी दोस्तों एक प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वैरायटी फॉर न्यू सीजन। अपने दोस्तों जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के स्कोप क्या है, और ये स्कोप है वो अपन देखते हैं दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अब प्लांट ब्रीडिंग का जो फ्यूचर है वो क्या है, प्लांट ब्रीडिंग में आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। अगर अपन स्टार्टिंग से देखें दोस्तों, तो प्लांट पहले क्लासिकल जो जेनेटिक्स थी, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स के द्वारा दोस्तों बहुत सारी नंबर ऑफ वेराइटीज डेवलप की गई और इन्वॉल्व की गई, ताकि क्या हो, बहुत सारी प्लांट वेराइटीज है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा चुका है, ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स के द्वारा बहुत सारी प्लांट वेराइटीज डेवलप की जा चुकी है जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल रह चुकी है। बट अब क्या होता है दोस्तों, जो मॉडर्न अगर अपन प्लांट ब्रीडिंग में देखें, तो अब दोस्तों मोलिकुलर बायोलॉजी का यूज किया जाने लगा, और मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा क्या किया जाने लगा, मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा स्पेशली अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जो क्या है दोस्तों, उनके जीन के अंदर जीन कॉम्बिनेशन है, जो डीएनए आरएनए लेवल पर जो चेंज किया गया प्लांट्स के अंदर, उसके बाद में जेनेटिकली मतलब जीन लेवल पर मॉडिफाई करके प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए, उन्हें कहा गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, राइस में, मेज में, सोयाबीन, कॉटन, ऑयल सीड, रेप सीड है अपने, शुगर बीट एंड एल्फा एल्फा है, इनके कल्टीवर तैयार किए गए, ठीक है, और इनकी जो इम्प्रूव वेराइटीज़ है वो बनाई गई। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में जीन फ्रॉम वेरिड ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, मतलब प्लांट के अंदर प्लांट के जीन नहीं बल्कि अदर ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ जीवाणु है, कुछ बैक्टीरियोफेज है, उनके जीन क्या किए जाने लगे दोस्तों, उनके जीन ट्रांसफ़र किए गए। उससे क्या होता है दोस्तों, जो क्रॉप प्लांट की जो परफॉर्मेंस है ना वो स्पेशली बढ़ रही है, और वो भी मेनली क्या होता है, बायोटिक एबायोटिक जो रेजिस्टेंस है ना वो इनक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर अपन देखें कॉटन है, कॉटन की जो बीटी वेराइटीज है, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, इन बीटी वेराइटीज में क्या होता है दोस्तों, बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है उसके जीन को ट्रांसफर किया गया है, और ये जो जीन है वो क्या करता है दोस्तों, उस प्लांट की जो बायोटिक रेजिस्टेंस है उसको इनक्रीज कर रहा है, मतलब उसमें जो लगने वाले जो कीट है, बोलवर्म है, उनसे पौधे को बचाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो डेवलप की जाने लगी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, उसके अंदर क्या है दोस्तों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग पौधे की स्पीसीज से जीन ट्रांसफर किए जाते हैं और पौधे को डेवलप किया जाता है, उसमें बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसकी यील्ड में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो अब प्रेजेंट टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर चल रहा है, आने वाले समय में दोस्तों इससे भी इम्प्रूवमेंट होगा, और इसका फ्यूचर है प्लांट ब्रीडिंग का वो और भी सुनहरा रहने वाला है। अब देख रहे हो दोस्तों अपन, प्लांट ब्रीडिंग के कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हुए हैं। प्लांट ब्रीडिंग है, इसके द्वारा दोस्तों अपने देख लिया कि क्रॉप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके यील्ड में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, उसमें जो बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस भी पैदा हुआ है, ठीक है। बट दोस्तों इस प्लांट ब्रीडिंग के कुछ साइड इफेक्ट भी रहे हैं। जैसे अपन देखते हैं दोस्तों, एक तो जो प्लांट ब्रीडिंग का जो साइड इफेक्ट रहा है, जो अपने पौधों में जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसके द्वारा दोस्तों क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी हो रही है। मतलब जो पहले जो जो अपनी देसी वैरायटीज थी उनमें जो डाइवर्सिटी थी दोस्तों वो लगातार घटती जा रही है, और अब क्या होता है दोस्तों, अब ज़्यादातर मोर यूनिफॉर्म प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक ही वैरायटीज के जो प्लांट हैं वो आसपास के सभी गांवों में, सभी खेतों में, बड़े बड़े फील्ड्स के ऊपर आपको सारे एक टाइप के आपको प्लांट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो डिजीजेज है उनका आक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। जब ज़्यादा डाइवर्स प्लांट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कुछ इंसेक्ट है वो एक टाइप के प्लांट्स को खाते हैं बट दूसरे टाइप के प्लांट्स को नहीं खाते, तो अपनी जो क्रॉप है उसको ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते।
बट अगर ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आ जाती है उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जो डिजीजेज है, इंसेक्ट पेस्ट है, उनका प्रकोप भी इंक्रीज होता है। तो एक तो दोस्तों रिडक्शन और डाइवर्सिटी हुई है, मोर यूनिफॉर्म प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उसके कारण दोस्तों क्या होता है, अपने जो पैथोजन है, जो अपने इंसेक्ट्स हैं, उनके आक्रमण बढ़े हैं। एक न्यूरोजेनेटिक बेस मिला है दोस्तों, जो जेनेटिक बेस है वो क्या हो गया है दोस्तों, संकरा हो गया, कम हो गया है। ठीक है, पहले जेनेटिक बेस था वो ब्रॉड था, तो अपने जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था प्लांट का वो बहुत लंबा चौड़ा था, उसकी वजह से क्या होता था दोस्तों, उनमें जो बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस है वो पहले से पैदा रहता था। बट अब दोस्तों अपने को क्या है कि अपने को बाहर से उसमें रेजिस्टेंस अपने को डालना पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंट जीन अपन डालते हैं, म्यूटेशन करवा रहे हैं अपन, ताकि उसमें रेजिस्टेंस जीन पैदा हो और प्लांट है वो डिजीज इंसेक्ट से बच सके। डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा जब यूनिफॉर्म प्लांट्स होते हैं तो अगर अपन उनकी जब पेडिग्री देखी जाती है तो क्या होता है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, कॉमन पेरेंट्स मिल रहे हैं तो दोस्तों उनमें जो डाइवर्सिटी है वो लगातार घटती जा रही है। यूनिफॉर्म प्लांट्स मिलेंगे और यूनिफॉर्म प्लांट्स में दोस्तों वही होगा, डिजीज का प्रकोप, इंसेक्ट का प्रकोप। ठीक है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये अपने डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी का पॉइंट रहा। उसके अलावा दोस्तों एक अपने अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन भी तैयार हुए हैं, जैसे कि अपने दो देखा है पोमेटो रेफेनोब्रेसिका। पोमेटो में अपने को पता है कि टमाटर और आलू, ठीक है, पोटेटो एंड टोमेटो का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार के अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस हुए हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाते। साथ में क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू माइनर डिजीज एंड पेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी घटी है, जेनेटिक बेस वो नेरो हो गया है, तो क्या होता है दोस्तों कि जो डिजीजेज का जो प्रकोप है वो इंक्रीज हो गया है। अगर आप देखो 1980 टू 1982 के अंदर पंजाब के अंदर ग्रे मोल्ड आता है। पंजाब में क्या आता है दोस्तों, ग्रे मोल्ड आ जाता है। वो मेनली दोस्तों इसी वजह से आता है क्योंकि अपन क्या ज़्यादा ज़्यादा यूनिफॉर्म प्लांट्स उगा रहे थे और उनके अंदर क्या है कि एक प्लांट के ऊपर हो गया तो लगातार वो बढ़ता जाता है और एक बड़े के बड़े खेत पास आस पास के गाँव के खेतों को वो ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारी एपिडेमिक डिजीज आई पंजाब हरियाणा में 1982 के अंदर। 1982 1982 के अंदर अपने देखा चिकपी के अंदर ग्रे मोल्ड, करनाल बंट है वीट के अंदर एक समस्या बन चुकी है, उसी प्रकार से दोस्तों बीटी कॉटन है उसमें मिली बग की समस्या बन रही है। तो ये दोस्तों मेजर जो डिजीजेज है, इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो दोस्तों ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी की वजह से, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग की वजह से कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही है। बट इनके दोस्तों जो साइड इफेक्ट से ज़्यादा अगर अपन देखें प्रोडक्शन क्वालिटी क्वांटिटी वो दोस्तों बहुत है। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ करना है अपने को, बट अपने प्लांट ब्रीडिंग का ध्यानपूर्वक यूज़ करना है ताकि अपन इसमें कुछ डाइवर्सिटी भी मेंटेन रख सकें, साथ में अपन यूनिफॉर्मिटी भी अपने को प्रोड्यूस करनी होगी ताकि अपने को हायर यील्ड मिल सके। साथ में अपने जो डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट प्रोड्यूस करने हैं, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर के प्रति रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने ये टारगेट्स होने चाहिए प्लांट ब्रीडिंग के। अपन दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, वो अपना रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद, आप इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिए, आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।